एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करूँगी। मंडे को रीडिंग पोस्ट नहीं हो पाई थी तो आज मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग लेकर आई हूँ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी चल रही है, किस एनर्जी में है डीएम। और इसके लिए मैं दो डेक यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे और फिर हम टैरो से भी चेक करेंगे, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि आपके डीएम का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं गाइस। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर डेथ का आया हुआ है। मीन्स आपके डीएम की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। एनर्जी इज वेरी हैवी आपके डीएम की। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। क्रिएट कर रहे हैं ये अपनी रियलिटी को। यहाँ पर सन की वाइब्रेशन है लेकिन कार्मिक साइकिल्स रिलीज करके, मींस कि ये अपनी लाइफ में डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें किस पाथ पे आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। बट कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं आपके डीएम। और डीएम क्योंकि स्टक हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। पहली जो एनर्जी आई है वही यहाँ पर डेथ की है। तो आपके डीएम की एनर्जी में या तो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम, या तो इनके लाइफ में कोई कार्मिक ट्रिगर इनको मिल रहा है जिसके कारण ये बहुत बैड फेज से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। डीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, डीएम सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो डीएम हैं वो कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हैं। जो भी उनके कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक क्या होते हैं ये, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में एक बार फाइंड आउट करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देन यहाँ डेविल की एनर्जी है विद द टावर। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में या तो उनका ईगो या उनके अंदर जो टॉक्सिक एनर्जीज थी, उनका बिहेवियर में ईगो था या उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर था, आपको डोमिनेट करना, आपको हर्ट करना, आपको ट्रिगर करना, तो उसमें चेंजेस आपको नज़र आएंगे। अगर आपके डीएम आपके साथ बहुत अच्छे हैं बट इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं जिसके कारण आपका और आपके डीएम का यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, तो डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके चाहने से या आपके डीएम के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ प्लान्ड होता है और सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। कब आपके लाइफ में कार्मिक रिलीज होंगे ये भी डिवाइनली गाइडेड होता है। कब आपके डीएम की लाइफ से कार्मिक रिलीज होंगे ये भी डिवाइनली गाइडेड होता है। तो आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना होता, सिर्फ अपने आप को ग्रो करना होता है, अपने आप पर फोकस्ड होना होता है, अपने आप को असेंड करना होता है और अपने आप को अलाइनमेंट में रखना होता है। जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं तो आप उन एनर्जीज़ के फ्लो को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उन एनर्जीज़ को रिसीव करके आप अपनी लाइफ में सही पाथ पे, सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ते जाते हैं। वो डायरेक्शन आपको अपने टारगेट तक लेकर जाएगी जहाँ भी आपके डिवाइन आपको पहुँचाना चाह रहे हैं। इस लाइफ में आपका जो भी पर्पज़ है वहाँ तक आपको डिवाइन ही पहुँचाते हैं। तो आपके डीएम की एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके डीएम इस वक्त एक बैड फेज से गुजर रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव तो नज़र नहीं आ रही। कुछ डीएम जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, वो बैलेंस्ड हैं, वो अबंडेंट हैं, उनका नेम, फेम, रिकॉग्निशन, उनकी लाइफ में वो अपने सोल मिशन, मासेस को डील करना, मासेस को ट्रांसफॉर्म करना, मासेस की एनर्जी को हील करना, इस एनर्जी में है। लेकिन ज़्यादातर डीएम की एनर्जी इस वक्त ऐसी है जैसे कि ये किसी डार्क नाइट ऑफ द फेस से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डीएम की इस वक्त एनर्जी है, हैवी एनर्जी है आपके डीएम की। देखते हैं टैरो से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके
डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी, यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया कि आपके डीएम भी इस वक्त आपको याद कर रहे हैं. लेट्स चेक किस एनर्जी में है. ये डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, ये आपसे दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये मिस कर रहे हैं आपको और बहुत जल्दी इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने प्लान कर लिया है, स्टेप्स इनको पता हैं कि कब कैसे क्या एक्शन लेने हैं इस रिलेशनशिप में. आपके पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपके और आपके डीएम के बीच में हैं इस वक्त, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाले, चैलेंजिंग सिचुएशंस को क्रिएट करने वाले. लेकिन आपके पर्सन उन सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल जाएंगे. एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन है. एस ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशनल एनर्जी है. आपके पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, साथ ही साथ ये आपको एक्सप्रेस भी करने वाले हैं बहुत जल्द. यहाँ पर आपको आपके डीएम की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव मिल सकता है. कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्लियर आउट हो सकती है जो बहुत टाइम से आपको क्लियर नहीं थी. आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये आपसे दूर चाह के भी नहीं हो सकते, ये इनको एहसास हो चुका है. ये अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है. ये किसी से डरे बिना आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं. यहाँ पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी अबंडेंट हैं, इनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कार्यरत हो सकते हैं. यहाँ पर इनको अगर कोई प्रॉब्लम थी या अगर इनकी लाइफ में कोई बैड फेस चल भी रहा था फैमिली सिचुएशंस में या कहीं भी, तो ये उससे बहुत जल्द बाहर निकल कर आपको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ कप्स, एक्सप्रेशन ऑफ लव और एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिल सकती है. आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल फियरलेस हैं, किसी से भी डरे बिना ये एक्शन ले सकते हैं, इन्होंने निर्णय ले लिया है. यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपको नज़र आ रही होंगी और आपके साथ एक कम्प्लीशन की भावना इनके अंदर है. ये बिल्कुल केयर फ्री होकर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. ये इनकी करंट एनर्जी है आपको लेकर, अपनी डीएफ को लेकर. देखते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके डीएम से अगर इस वक्त आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आपके डीएम कॉन्टैक्ट में आने वाली हैं या आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं, कितना टाइम लग सकता है. फिलहाल अभी थर्ड पार्टी के जो भी हमने देखा, एम्प्रेस और डेथ का कार्ड आया था टावर के साथ, यहाँ पर भी वही एनर्जी है. वी हैव गॉट द सेम एनर्जी, फर्टिलिटी दैट इज़ एम्प्रेस विद ऑब्स्टिकल्स. अभी थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके डीएम. इस वक्त मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हैं, जैसा कि मैंने कहा एनर्जी हैवी है. लेकिन थ्री नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ लोगों के डीएम 3 डेज के अंदर, 3 आवर्स के अंदर, 21 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 3 डेज, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं. तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद ये एनर्जी 3 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है. सो ये थी गाइज आज की रीडिंग. होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.